लेते हैं सभी ट्रैक्टर्स के बारे में, श्री विनायक ट्रैक्टर्स के जो असिस्टेंट है उससे सभी ट्रैक्टर्स के बारे में। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। भरत बोदारा जी। अच्छा, आप क्या देखते हो? वो देखते हो आपका कौन कौन सा? सर आपका क्या नाम है? आप क्या देखते हो यहाँ पर? मैं भी यहाँ पे जैसे पुराने बैठे हैं, क्या काम है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ देखते हो? सब कुछ, मतलब मिक्स काम है आपका? तो मिक्स काम। अच्छा, तो आपका क्या नाम बताया? भरत जी। तो सबसे पहले हमारे पास भी एक ट्रैक्टर था, इसके बारे में बताइए। मतलब कलर हो रखा है ये? अच्छा, ओरिजिनल कलर करवा रखा है? ओरिजिनल कलर नहीं, ये ओरिजिनल कलर का क्या मतलब? तो ये कंपनी से कलर हो रखा है? कंपनी से कलर करवाया आपने? न्यू आके कंपनी में कलर हुआ है, नया सेट भी आया है और वो कंपनी में कलर हुआ है, आपके मार्केट कलर नहीं हुआ है। छोटे सा चेंज मॉडल है, पेपर कंपनी न्यू है या फिर न्यू है? कलर की क्या पोजीशन है इसकी? इंजन वगैरह एकदम बढ़िया है, सारा काम करा लेता है। 60-70% है पर नया इंजन है, कम्प्लीट काम करा लेता है। मतलब इंजन का काम 35,000 रुपये का इंजन का काम हुआ अभी, सब कम्प्लीट है, मतलब रेडी टू गो। किसी भी भाई के पास अगर कम जमीन हो या फिर किशनगढ़ के आसपास में जैसे गांव आता है रूपनगढ़, रड़ौदा, करगेड़ी वगैरह इस टाइप के दूध, तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि सस्ती रेट में बढ़िया ट्रैक्टर मिल जाएगा। जिसके 5 बीघा जमीन हो, 10 बीघा जमीन हो, वो तो कंसिडर कर ही सकता है। तो रेट ऐसे बताओ किसान भाई तुरंत लेने के लिए आपके पास में जाएगा। बताइए, 80,000 रुपये। तो दोस्तों 80,000 रुपये देने पड़ेंगे या थोड़ी रेट और कम कर देना, मतलब 75 कर देना। 5,000 रुपये मान बनवा चलती है। हाँ, राजस्थान में बिना मान सम्मान ना एक कदम भी नहीं चला जाता। तो 75,000 रुपये में ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा, 1986 मॉडल है, पेपर रिन्यू रखे हैं, इंजन नया 35,000 रुपये लगवा कर, इंजन अभी नया ही है, मतलब नया कंप्लीट इंजन है इसका। जो ये बोनेट है ना, ये नया ही आया है और उसमें कलर हुआ है कंपनी में, बाहर कलर नहीं हुआ है। 275,000 रुपये में ये कंसिडर कर सकते हो, श्री विनायक ट्रैक्टर से मिल जाएगा। चलिए दूसरा ट्रैक्टर आते हैं अपने पास में, ये 1035 ये मेसी फर्ग्यूसन अजमेर नंबर बताइए। 2013 मॉडल है जी, 13 मॉडल है, काफ़ी 2014 का। अच्छा, मतलब 13 में तो ट्रैक्टर बना था, मतलब मैन्युफैक्चर हुआ था, रजिस्ट्रेशन 2014 में हुआ था। ये भी 3 सिलेंडर में, इसकी इंजन की क्या कंडीशन है? बढ़िया है। नीचे के टायर तो 20% इसके आगे के, आगे के 20%। इंजन कितना परसेंट होगा इसका? 80%। कितने घंटे चलाओगे वैसे? 7,000 रुपये चलावा। ये बोनेट है 7 का है? ये सारा ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, कलर वगैरह सब साथ कुछ भी नहीं करना है। लोन हो जाएगा इसका? लोन हो जाएगा। कितना लोन? 1,50,000 लोन हो जाएगा। हाँ, मतलब सामने वाले की, मतलब किसान भाई होगा, बैंक का सिविल बढ़िया होगा, आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल बढ़िया होगी, तो लोन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, क्या डिमांड है इसकी? इसकी डिमांड है 3,00,000 रुपये डिमांड है, और 2,50,000 रुपये से भी ज़्यादा स्ट्रेटेबल लोन हो जाएगा। ये 30-40,000 रुपये आप डाउन पेमेंट जमा करवा कर इस ट्रक को ले जा सकते हो, बस आपका सिविल बढ़िया होना चाहिए। सिविल बढ़िया होगा, सिविल में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिविल बढ़िया होगा तो लोन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये एक हमारे पास में ये गाड़ी कौन सी है? ये टवेरा है। मतलब सब गाड़ियाँ लेते, गाड़ियाँ ट्रैक्टर सब एक्सचेंज में लेते हैं? गाड़ी एक्सचेंज में लेते हैं, टवेरा हो, गाड़ी हो, टेम्पो हो, सब ले लेते हैं। हाँ, कोई भी मशीन। तो ये RJ14 जयपुर पासिंग, जयपुर पासिंग है, लाल कलर की गाड़ी है, गाड़ी है 2011 मॉडल है। अच्छा, काफ़ी रिव्यू है इसके, रिव्यू पास है, रिव्यू तो चल ही गए होंगे ना? अच्छा, इंश्योरेंस रनिंग है। कौन सी कौन सी फर्स्ट चाहिए? सेकेंड ऑनर चाहिए। तो ये मतलब इंजन वगैरह वगैरह एकदम ओके, बॉडी लाइन आप देख सकते हो इस मीडियम में, यहाँ पर डेंट है थोड़ा सा, थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग है इसमें, वो तो इंजन वगैरह इंजन बढ़िया इसका। नॉर्मली तो आपको टचिंग करवानी पड़ सकती है, चलिए ठीक है। 11 मॉडल है, इंजन भी करवाया आपने? इंजन का कुछ नहीं,
आराम से कोई भी अगर कोई कस्टमर लेता है ना तो एक साल में फ्री कर सकता है। अगर कोई भी भाई अगर इसको लेना चाहता है ना कोई भी कस्टमर अगर इस गाड़ी को लेना चाहता है ना तो अगर उसको टैक्सी में चलाता है इस गाड़ी को टैक्सी परपज के लिए पर्सनल नंबर है आपको टैक्सी में तो आराम से एक डेढ़ साल में गाड़ी फ्री हो जाएगी। वो जो डेढ़ लाख रेट बताइए उसमें भी नहीं होगा बोलूँगा अच्छा लोन होगा इसमें लोन भी हो जाएगा कितना लाख हो जाएगा डेढ़ का डेढ़ लाख हो जाएगा लोन मतलब आप 10-12 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट देकर भी ले सकते हो बस पूरा मेरे का कुछ नहीं देना पड़ेगा बस सिविल बढ़िया होगा तो कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको गाड़ी मिल जाएगी टवेरा सिर्फ ना एक ट्रैक्टर पे खड़ी हुई है आप मेन रोड पे करिए ना ट्रैक्टर आकर आप कंसिडर कर सकते हो चलिए और ट्रैक्टर देख लेते हैं या कौन कौन से आपके पास।